और इन्हें दोनों ने 15 तारीख से लेकर 18 तक पीटे हैं, पिटाई करी लड़की ने। और इस लड़की से इन्हें कोशिश करिए गलत काम करने की रजा करी। पोस्टमार्टम में बच्ची के में क्या आया है, कहा है सिगरेट के दाग भी थे, कुछ ऐसा भी था? उस पर डॉक्टर साहब ने बताई ठाउन इंजरी है, जो ठाउन इंजरी दे रखी है, MLR मिलेगी सोमवार को। अट्ठावन चोटें मिली 5 साल की बच्ची के शरीर पर, हत्यारिन मां ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। दोनों आरोपियों को कर लिया गया है गिरफ्तार। मासूम बच्ची के साथ 3 दिन तक बेरहमी के साथ की गई है मारपीट। 5 साल की बच्ची से की गई है दुष्कर्म की कोशिश। दादा दादी ने की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग। आरोपी महिला रवीना और उसके प्रेमी रजत नशे के आदि रहे हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत में सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 5 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या करने की आरोपी महिला व उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के सामने आरोपियों ने बड़े खुलासे किए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्ची के शरीर पर 58 इंजरी मिली है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि 5 साल की बच्ची के साथ आरोपी रजत ने बच्ची की मां की मिलीभगत के चलते दुष्कर्म करने की कोशिश की है। 5 साल की मासूम के साथ 3 दिन तक बेरहमी के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस ने आरोपी महिला रवीना और उसके प्रेमी रजत को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि नशे की आदि महिला और उसके प्रेमी ने 5 साल की बच्ची की जान ले ली। सोनीपत के सदर थाना के अंतर्गत 5 साल की एक मासूम की हत्या के पीछे उसकी मां के साथ साथ उसके प्रेमी का हाथ सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला शराब पीने की आदि रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बड़े खुलासे हुए हैं। घटना के दिन ज्यादा चोट मारने से उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि मामले में महिला के पूर्व पति फिरोज खान की तरफ से नामजद कराए युवक की संलिप्तता नहीं पाई है, क्योंकि आरोपी महिला ने अपने पूर्व पति से तलाक लेकर पंकज के साथ शादी कर ली थी। उसके बाद भी आरोपी महिला ने रजत सैनी के साथ अवैध संबंध के साथ रह रही थी। इंडियन कॉलोनी की गली नंबर 3 निवासी फिरोज खान ने सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी शादी 12 साल पहले पटेल नगर निवासी रवीना के साथ हुई थी। उन्हें रवीना से 2 बेटियां हुई थी। झगड़ा होने पर उनका 2 साल पहले तलाक हो गया था। आरोपी महिला करीबन 8 माह पहले 5 साल की बेटी को लेकर गई और बाद में हत्या कर उसे फिरोज खान के रिश्तेदारों के वहां छोड़कर भाग गई थी। बच्ची के शरीर पर पिटाई, बीड़ी सिगरेट से दागने के भी निशान थे। मामले में बच्ची के दादा आश मोहम्मद और दादी अमरी ने कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। हमारे पास 18 तारीख ने सूचना आई थी, वहाँ एक लड़की नील पड़ गई है, मर रही है मोहन नगर से। हम उस पर जाकर गए थे, अगर लड़की लेकर नील पड़ गए थे उसके फोटो उतारे, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने मर्द घोषित कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर ने BPS खानपुर में बोर्ड द्वारा उसको हवाले परियोजनों को कर दिया। उसके माँ बाप पहले पिता को, इसकी जो रवीना है, रवीना पहले फिरोज खान की पत्नी भी पहले, और यदि अब दूसरे पंकज के साथ रह रही है। उसके बाद इस रवीना को कल गिरफ्तार किया था। उसके फर्जी साम्रजत सैनी है वो इसके साथ अवैध संबंध में था, और इन दोनों ने 15 तारीख से लेकर 18 तक पीटे हैं, पिटाई करी लड़की ने। और इस लड़की से इन कोशिश करिए गलत काम करने की रजत करी, और इनको कल रजत को भी गिरफ्तार कर लिया, मेडिकल करा दिया, इनको आज पेश अदालत किया जाए। रिमांड पे लेने सर? रिमांड पर लेंगे, कोशिश करेंगे पूरा रजत को रिमांड पर लेने। सर और कोई आरोपी सामने आया? नहीं, ये सिर्फ 2 ही आरोपी हैं। इसके बारे में तब किस को गहनता से पूछताछ की जाएगी, रिमांड लेकर कोर्ट में पेश किया जाएगा जज। हाँ, जज कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड की मांग करेंगे। पोस्टमार्टम में बच्ची के में क्या आया है, कहा है सिगरेट के दाग भी थे, कुछ ऐसा भी था? उस पर डॉक्टर साहब ने बताई ठाउन इंजरी है, जो ठाउन इंजरी दे रखी है, MLR मिलेगी सोमवार को। उन्होंने कहा भाई अब तक पूरी नहीं हुई है, MLR सोमवार को मिल जाएगी, उसके बाद ही उसकी पुष्टि कर सकते हैं। ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।